खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां हल्द्वानी हाईवे पर बार बार मलबा गिरने से मार्ग बाधित होने की समस्या को देखते हुए डीएम आलोक कुमार पांडे ने आज क्वारब में राष्ट्रीय राजमार्ग 109 का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए एनएच के अधिशासी अभियंता महेंद्र कुमार को मार्ग की स्थायी समाधान की दिशा में काम करने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने क्वारब के पास एक बैली ब्रिज बनाने की योजना बनाने का कहा, ताकि मार्ग अवरुद्ध होने पर यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। साथ ही पहाड़ी से मलबा गिरने की रोकथाम के लिए तकनीकी समाधान पर भी विचार करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, अभी एनएच के अधिशासी अभियंताओं ने सुविधा को बताई और डीएम के साथ इसका विजिट किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा एक पाल डेवलप हो गया है, जिसके वजह से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पत्थर भी आ रहे हैं। एनएच से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कल हायर लेवल पर मीटिंग हुई है, टीएचडीसी पर गया है। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनको कहा है कि उन्होंने को बुला के एक डेली ब्रिज की स्थापना कर दें, और दूसरा अन्य जहाँ पर मलबा हटा सकते हैं हटा लें, और जो कुछ तकनीकी अपने विशेषज्ञों को दिखाते हैं उपचारात्मक कार्रवाई करें, क्योंकि अल्मोड़ा की यही एक पाइपलाइन है। ये बंद होगी, जिसे रानी खेत होते हुए बहुत लंबा रास्ता है।